हस्ते हस्ते कर जाएंगे yes, आई ये वीडियो के रस्ते अथॉरिटीज इन जीएसटी एस जो भी जो भी क्या है दोस्तों चैप्टर्स के अंदर राइट right, कहीं असिस्टेंट कमिश्नर लिखा है कभी डेप्यूटी कमिश्नर कभी जॉइंट कमिश्नर कभी कमिश्नर कभी प्रिंसिपल कमिश्नर और हमको एग्जैक्टली exactly पता ही नहीं होता कि भैया पे कौन सा ऑफिसर आदेश देता है राइट तो आई थॉट लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ दैट क्विकली एंड या देर बी आर माई डियर फ्रेंड्स तो क्विकली दोस्तों क्या है सबसे पहले मैं आपको हायरार्की बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आता है सुपरिटेंडेंट फिर आता है असिस्टेंट कमिश्नर फिर डेप्यूटी कमिश्नर फिर आता है दोस्तों जॉइंट कमिश्नर फिर एडिशनल कमिश्नर फिर आता है कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर माई फ्रेंड्स ये हायर पता होनी चाहिए नीचे से ऊपर तक आपको पर फ्रेंकली दोस्तों मैक्स हम लोग यहाँ तक ही जाएंगे क्योंकि अपना काम वहां तक ही सीमित होता है ओके यस पर दोस्तों मैं आपको पहले से ही बता दूं कमिश्नर इज द मोस्ट ओके यूज्ड ऑफिशियल जो बहुत सारे केसेस में क्या है ऑर्डर देता है ठीक है चलो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में जाएंगे तो पेमेंट ऑफ टैक्स में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग को पता चलता है कि बॉस रूल एटी सिक्स ए में स्पेसिफिकली क्या है लिमिट्स दी गई है ओके तो अप टू वन करोड़ डेप्यूटी कमिश्नर कमिश्नर आदेश देगा आईटीसी डिसअलाउंस का ठीक है अबव वन करोड़ अप टू फाइव करोड़ एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर और फिर पाँच करोड़ के ऊपर कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर इतना क्या है अपना uh, जो ई क्रेडिट लेजर है दोस्तों उसको डेबिट का अलाउंस दे देंगे ठीक है ड नेक्स्ट पॉइंट ये फ्रेंड्स ई वे बिल में स्पेसिफिकली हम लोग बात जब करते हैं तो बात करते हैं दोस्तों ओके okay, कि आपका वेहीकल जो है वो इंटरसेप्ट अगर होता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो दैट कैन हैपन

ज्वाइंट कमिश्नर ही दोस्तों क्या है इसे अलाउ करेगा तो कीप दैट इन माइंड माई डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के अंदर दोस्तों स्पेसिफिकली जब रिवोकेशन की बात करते सेक्शन थर्टी की माई डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हमको याद आता है कि नाइनटी डेज का तो टाइम लिमिट दिया ही गया है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर उसका एक और एक्सटेंशन है वो है वन एटी डेज का विच विल भी ग्रांटेड माई डियर फ्रेंड्स नॉन सफिशेंट ग्राउंड आइदर बाई अडिशनल जॉइंट या फिर कमिश्नर ठीक है तो अडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर या फिर कमिश्नर ये तीनों में से कोई भी अथॉरिटी क्या है माई डिफ्रेंस वन एटी डेज का क्या है एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है ठीक है नेक्स्ट माई फ्रेंड्स बात करते हैं टी की तो वहाँ पे दोस्तों जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो ई को अगर नोटिस भेजता है कि बता तेरा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है बता साले तेरा स्टॉक कितना है ओके तो फिर पंद्रह दिन पंद्रह वर्किंग डेज के अंदर क्या है अपने को वो रिपोर्ट भेजना पड़ेगा वरना भैया अपने को लग जाएगा पेनल्टी नेक्स्ट ऑज ऑडिट असेसमेंट में जनरल ऑडिट में भी जिक्र आता है और स्पेशल ऑडिट में भी आता है इसको मैं जनरल ऑडिट बोलता हूँ वैसे इट्स नॉट द राइट वे टू से बट ठीक है ओके नॉर्मल लोकल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ बेसिकली दिस इज ऑडिट बाई टैक्स अथॉरिटीज़ तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़रूरी है समझना कि यहाँ पे जो ऑडिट है ओके okay, वो ऑब्वियसली दोस्तों कौन कंडक्ट करवाता है किसके आदेश पे हो रहा है कमिश्नर के आदेश पे हो रहा है और यहाँ पे भी तीन महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना दे, कर देना होता है जो जिसका क्या है अगेन कमिश्नर की परमिशन से आप सिक्स मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं ये ऑडिट माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्पेशल ऑडिट की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे दो स्पेसिफिक क्या है ऑफिसर्स का नाम लिया जाता है सबसे पहले बात की जाती है असिस्टेंट कमिश्नर की कैसे तो कोई भी स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी पे इन्वेस्टिगेशन पे एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ओके

नहीं लिया गया आपने बकायदा उसे एक्सीड करवाया माय डियर फ्रेंड्स तो फिर ऐसे सिचुएशन में एक चीज प्लीज याद रखना ओके okay? और वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स ओके वो है ये ओके okay? के असिस्टेंट कमिश्नर बोलेगा भाई अभी तो सी ए या फिर सी एम ए की हेल्प लेनी पड़ेगी ठीक है तो फिर दोस्तों सिंपल सी बात है वो एक डायरेक्शन इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर तो असिस्टेंट कमिश्नर याद रखना रजिस्टर्ड पर्सन को बोलेगा भैया तेरा ऑडिट अभी होगा और वो स्पेशल ऑडिट सी ए सी ए में करेगा बट वो ये आदेश कब दे सकता है रजिस्टर्ड पर्सन को जब वो ऑब्वियसली क्या है पहले परमिशन मांग ले कमिश्नर की ठीक है तो कमिश्नर माय बाप है उसका और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो सी एम है उसको खर्चा पानी कौन देगा अरे तेरा पप्पा देगा बेटा नहीं ना तेरा पप्पा देगा ना मेरा पप्पा देगा आई इट yes. वो देगा वो देगा कौन बेटा असिस्टेंट कमिश्नर का पप्पा वो है बेटा कमिश्नर आई यू गैनिंग इट यस ओके मेरे डैडी तो बेटा देंगे ही नहीं ओके okay. अरे वो मुझे एक रुपया नहीं देते बेटा वो कमिश्नर को कहा बराबर के नहीं डैडी यस yes. पापा आ जाइए इधर आ जाइए आ जाइए आ जाइए अरे कौम 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 कौ ओके okay, आज दोस्तों ओपन स्टूडियो में आए हैं अपने डैडी ओके मिस्टर दीपक सेठ एक बार दीपक सेठ से मिल लीजिए दोस्तों यस डैसिंग डैसिंग पापा ओके यस कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को आप बस खुश रहो एकदम खुश रहो अरे एग्जाम है पापा उनका पढ़े को पहले ही कांग्रेचुलेशन मतलब बेस्ट बेस्ट ऑफ लक ऑल द ओके और जो बच्चे डरते रहते हैं उनकी पटी पड़ी, -पड़ी नहीं। है कि सर क्या करेंगे सर होगा पास नहीं होगा तो क्या उनका आपके ऊपर क्या उनकी टिप्पणी क्या है अरे कुछ घबराने का नहीं हो जाएगा नौकरी मिल जाएगा अरे उसके बाद भी मिल जाएगा अरे उसके बाद भी मिल जाएगा ओके दोस्तों तो इस तरह से पापा ने आपको पूरी कोशिश की है प्रोत्साहित करने की लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ओके okay. यस yes. अपने अपने पापा ने ही दोस्तों ये स्लोगन दिया था कहीं ना कहीं जब मैं क्या है गया था दोस्तों उनके साथ हंसा हताश होके कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे पापा राइट और इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं लोग बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे कुछ पता नहीं चल रहा है कोई कमेंट भी नहीं डाल रहा है सला तो पापा ने बस एक ही बोला बोला करण हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते तो मैंने बोला यार थोड़ा इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं हंसते हंसते कट जाएंगे आईडी के रस्ते और वहां से दोस्तों अपने को स्लोगन मिला है चलो आगे बढ़ते हैं जीवन में माय डियर फ्रेंड्स यस तो आज दोस्तों क्लियरली वो सी को नॉमिनेट भी कमिश्नर करेगा और उनको पैसे भी कमिश्नर ही देगा मेरे बंधु ठीक है डन नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग प्रोविजनल असेसमेंट की तो प्रोविजनल असेसमेंट में माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो वहां तो आपके एप्लीकेशन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन के नब्बे दिन के अंदर आ जाना चाहिए बट आपका जो फाइनल असेसमेंट है वो आपके प्रोविजनल असेसमेंट के छः महीने के अंदर आ जाना चाहिए और अगर वो नहीं आया तो और छः महीने का एक्सटेंशन होगा और वो नहीं हुआ तो और एक चार साल का सीधा एक्सटेंशन होगा हो कसम ओके तो दोस्तों आज ये सबसे पहला जो छह महीने का एक्सटेंशन है वो कौन देगा बेटा कमिश्नर कमिश्नर एडिशनल और जो चार साल का एक्सटेंशन है वो दे देगा कमिश्नर फ्रेंड्स समरी असेसमेंट में भी दोस्तों याद रखना कौन ऑर्डर करेगा याद रखना समरी असेसमेंट जो है डियर फ्रेंड्स ओके ऑर्डर किसके प्रायर अप्रूवल से होगा ए ए सी जे सी जब भी वर्ड यूज हो रहा है तो याद रखना जे सी के साथ असिस्टेंट कमिश्नर नहीं आएगा अडिश्नली आएगा क्यों क्योंकि बेटा हर में वो लोग बैठ रहे हैं ना भाई लॉजिक समझो भाई ओके ये दिख रहा है यहाँ पे हाँ तो यह, ये और ये कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है भाई समझा और इसीलिए याद रखना असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर नहीं होगा एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर होंगे ये चीज़ प्लीज ओके याद रखना दोस्तों ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहे पावर ऑफ इंस्पेक्शन की तो यहां पे भी दोस्तों याद रखना सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कमिश्नर की बात हो रही है कि भैया उसके पास अगर क्या है रीजन टू बिलीव है माय डियर फ्रेंड्स ओके तो फिर क्या है वो इंस्पेक्शन करेगा उसके पास क्या है अगर रीजन टू बिलीव है तो वो क्या है सर्च एंड सीजर भी कर देगा ठीक है नेक्स्ट रिफंड में भी दोस्तों क्या है कमिश्नर का ही उल्लेखन किया है और डिमांड एंड रिकवरी में भी दोस्तों 24 ई ओके okay, और वो भी कौन सी ई आपकी डिमांडेड लाइबिलिटीज नॉट सेल्फ असिस्ट लाइबिलिटीज पे भी दोस्तों जो है वो आदेश आपको कमिश्नर से ही मिलेगा इसीलिए आपको एप्लीकेशन भी कमिश्नर को ही करना पड़ेगा एटी में भी दोस्तों प्रोविजनल अटैचमेंट में स्पेसिफिकली बोला गया है अमेंडमेंट के तौर पर कि भैया वैसे तो पहले प्रोविजनल अटैचमेंट एक साल तक मैक्सिमम एग्जिस्ट करता था आफ्टर दैट इट सी एग्जिस्ट बट दोस्तों उसके बाद, my dear friends, एक, amendment आ एक साल या फिर क्या है माइ डियर फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कमिश्नर यानी कमिश्नर ने बोला अगर छ महीना तो फिर छह महीना हो जाएगा माई डियर फ्रेंड्स ओके लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस में सेक्शन एटी एट में स्पेसिफिकली बोला गया कि कोई भी कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाता है तो भैया अपॉइंट होगा और जैसे कोई बंदा लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो कमिश्नर को नोटिस भेजेगा कि बताओ ये का क्या तीन महीने के अंदर क्या है लिक्विडेटर को हिसाब भेजेगा कि ये देखो भाई इतना सारा क्या है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपकी कंपनी ने नहीं पे किया तो कृपया करके चुका दीजिए ना यार ओके नेक्स्ट डियर डिफ्रेंस इस offenses and penalties my dear friends offenses and penalties दोस्तों क्या है अगर हम लोग बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगेन सेक्शन 123 आता है जहाँ पे बोला गया है कि इंफॉर्मेशन रिटर्न अगर आपने क्या है अगर फाइल नहीं किया है तो भैया कमिश्नरी है वो बंदा जो क्या आपको नोटिस सर्व करेगा कि कृपया करके इतने दिन के अंदर क्या है ये फाइल कर दीजिए एंड दैट डेज शुड नॉट बी मोर देन 90 डेज ठीक है अगर वहां पे भी अगर आपने लेट कर दिया ओके okay. तो भैया आपको लग जाएगा पेनॉल्टी और वो होगा सौ रुपया प्रतिदिन मैक्सिमम पाँच हजार अच्छा सेक्शन 133 में भी दोस्तों स्पेसिफिकली बात बोला गया है कि विलफुली अगर आप क्या है इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेंट को डिस्क्लोज करते हो ठीक है तो ये संगीन जुर्म है अब दोस्तों डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या नहीं हो ओके अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा कि आप कितने टाइम के लिए इम्प्रेजेंटमेंट जाओगे आपको कितना फाइन लगेगा ओके या फिर दोनों लगेगा ठीक है पर दोस्तों अगर बात करते हैं एनी अदर पर्सन की हु इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वो लीक कर देता है तो भैया ओके यहाँ पे कमिश्नर ही डिसाइड करेगा कि उसको कितना प्रोसिक्यूशन लगेगा और कितना ओके फाइन देना पड़ेगा सेक्शन 138 में भी दोस्तों स्पेसिफिकली आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा कमिश्नर को ही कि भैया कमिश्नर प्लीज मुझे पता है मैं जेल जाने वाला हूँ पर यार ये कंपाउंडिंग अमाउंट लेकर मुझे छोड़ दो ओके लॉ में ये प्रावधान है कि मैं पैसा देकर निकल जाऊँ तो प्लीज मेरी इस एप्लीकेशन को ओके एक्सेप्ट करो ठीक है तो कमिश्नर ही क्या है दोस्तों आदेश देगा वो तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा अगेन यहाँ पे कमिश्नर ही आता है दोस्तों अच्छा अपील्स एंड रिविजन में माई डिफरेंस याद रखना अगर डिपार्टमेंट अपील का दरवाजा नहीं खटखटाता राइट छ महीना खत्म हो जाता है फिर उनको याद होता है अरे यार ये तो मेरे सब साले ने गलत ऑर्डर पास कर दिए या तो वो है या तो वो है या तो ऑबियसली इट इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू तो फिर कमिश्नर दोस्तों क्या है याद रखना यहाँ पे ऑन इज ओन मोशन ठीक है स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करेगा रिविजनल अथॉरिटी को कि ये ऑर्डर को रिवाइज किया जाए ओके okay, डन अच्छा इसमें भी दोस्तों याद रखना स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि

रिविरी अथॉरिटी ओके दोस्तों मिसिलेनियस प्रोविजन में भी स्पेसिफिक सेक्शन है जो बोलता है कमिश्नर फॉर पब्लिशिंग नेम्स एंड अदर पर्टिकुलसन इन सर्टन केसेस राइट तो यहां पर भी दोस्तों कमिश्नर को ही बोला गया है कि आपके पास क्या है ये अथॉरिटी है टू पब्लिश सच इंफॉर्मेशन ओके दोस्तों फिर बात आती है वेर हाउसिंग की विथ रिस्पेक्ट टू कस्टम्स दैट आई वॉन्ट टू रीड बाई योर सेल्फ बिकॉज राइट नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन जीएसटी ठीक है तो ये भी क्या एक बार देख लेना आप ओके एंड गो थ्रू देम ओके नाउ वन थिंग दोस्तों ओके आई वांटेड टू स्पेसिफिकली से चलो ये आपका हो गया है मैंने अथॉरिटी सब पढ़ा लिया पर मैंने एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है आपके लिए ओके इट कम्स टू करा थिंग दैट गोज इन दैट एफर्ट राइट तो अब दोस्तों मैंने क्या एक एक साथ आपको कंपाइल करके दे दिया। है, ठीक right? right? पे मैंने क्या है? ये सब एडजस्टमेंट्स जो कमिश्नर में आते हैं, वो लिखती है. सब एडजस्टमेंट्स पे कमिश्नर ट्रिगर होता है, वो डाल दिए असिस्टेंट कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर एंड मल्टीपल ऑफिसर्स ठीक है इससे क्या आपको दिमाग में याद रहेगा कि यार इशारा किस बात की तरफ है ठीक है तो दोस्तों कमिश्नर की बात करें तो ईवे बिल कमिश्नर जनरल ऑडिट कमिश्नर स्पेशल ऑडिट कमिश्नर प्रोविजनल अटैचमेंट लिक्विडेटर 123, 133, 138, ओके डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या है रिविजनरी अथॉरिटी ओके जो अपील करेगा तो कमिश्नर ही होगा जो सुबह मोटो क्या है रिविजनरी अथॉरिटी के पास जाएगा और बोलेगा मुझे मेरा ऑर्डर रिवाइज करवाना है सेक्शन वन फिफ्टी नाइन में भी वही एंटिटी है इन सेक्शन सिक्सटी सेवन वन ट्वेल्व में भी डमी बायर वही बन सकता है वही ऑर्डर देगा कि जा बेटर डमी बायर बन और देख अगर सामने वाला अगर क्या है गुड्स के सामने इनवाइस नहीं देता तो दबोच ले उसको ठीक है डन तो ये सब केसेस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर के हैं यानी मैक्सिमम केसेस में कमिश्नर ही आता है ओके डेप्यूटी कमिश्नर सिर्फ एक में आता है दोस्तों ईसीओ के केस में ये याद रखना ठीक है असिस्टेंट कमिश्नर और ये मैं बात कर रहा हूँ कि ओनली डेप्यूटी कमिश्नर उसके साथ कोई और अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है अच्छा ओनली असिस्टेंट कमिश्नर दोस्तों आप सिर्फ देखेंगे स्पेशल ऑडिट में और कहीं नहीं देखेंगे अच्छा ओनली जैसी आप देखेंगे दोस्तों ओनली एंड ओनली इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर में और आप कहीं नहीं देखोगे इसको बट ओनली एडिशनल कमिश्नर दोस्तों ऐसा कोई केस ही नहीं है ठीक है यस yes. ओके okay, अगर ऐसा नहीं करना आपको तो मैं बोलूँ के only additional commissioner, no case. हाँ, कि ओनली एडिशनल कमिश्नर नो केस ठीक है हा मल्टीपल ऑफिसर आएंगे रूल 86 ए में जहां पे दोस्तों स्लैब्स है अप टू वन करोड़ करोड़ टू फाइव करोड़ मोर देन फाइव करोड़ ठीक है अपेलेट अथॉरिटी एंड अपना ये क्या है रिविजनरी अथॉरिटी जहां पे दोस्तों क्या एजुटिकेटिंग अथॉरिटी है एंड एट द सेम टाइम उसके सामने ऑफिसर्स है कि भैया कौन इसका केस लेगा ठीक है रिवोकेशन में दोस्तों आपको पता ही है तीनों का नाम दे दिया एडिशनल कमिश्नर कमिश्नर एंड कमिश्नर डेज़ वाला पॉइंट फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में दोस्तों आपको पता ही है कि भैया छह महीने वाला ओके एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर है और वो चार साल वाला तो भैया पक्का कमिश्नर है और समरी असेसमेंट में भी दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर है समझा यस yes. तो इस तरह से मुझे लगता है बहुत ईजी तरीके से क्या है आप और चीजों को याद रख पाओगे और चार्ट बनाया दोस्तों मैंने वेयर आई है अथॉरिटीज इन जीएसटी ये भी दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ठीक है तो कृपया करके दोस्तों आई होप आपको ये इनिशिएटिव भी अच्छा लगा हो वेयर ऑल दथोरिटीज आर डिस्क एंड आई एव ऑल्सो कम्पाइल्ड के मैक्सिम कमिश्नर का है deputy का है all of that, and I hope आपको hierarchy की भी पता चल गया है और ये लिस्ट के बाद और आप और इजी तरह से याद रख पाएंगे इशारा कि इशारा किस बात की तरफ है ठीक है ये लिस्ट से भी ज्यादा मुझे लगता है ये लिस्ट अमेजिंग है okay? Okay, तो ये लिस्ट अमेजिंग क्यों है क्योंकि यहाँ पे आपको हेड points पता चल रहे क्या है वो हेड points को मैंने बकायदा इलाबरेट वहाँ पे कर दिया है समझा दैट्स इट ओके okay. तो बस यही क्या है ऑब्जेक्टिव था दोस्तों और यही क्या है मेरा इंटेंशन था कि इन चीजों को और इजी तरह से एक पेज पे ही ला कर आ जाओ सो so दैट क्या है आपको इजी पड़ जाए समझने में आपको यार याद ना रखना पड़े कि वो चैप्टर में ये था नहीं, ये चैप्टर में वो था एंड दैट इज वाई एंटर थिंग हैपेंड ओके और आपको कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए प्लीज़ क्या कमेंट सेक्शन में लिखना आई एम आल्सो ऑल्सो कंसिडरिंग 30 40 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा अमेंडमेंट्स क्या है समझा दूं आपको बिकॉज मैक्सिमम अमेंडमेंट्स में जीएसटी के हैं तो जीएसटी के ही समझा दूं फटाफट -फड़ से अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन अमेंडमेंट ओके 30 मिनट्स यस अमेंडमेंट इन 30 मिनट्स ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ओके एटलीस्ट अगर दोस्तों अपने पास 30 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा ये आपके टैक्स का टीचर का प्रॉमिस है थैंक्सॉट माई डी फ्रेंड्स आदिओ सा में गुजार था हंसते हंसते कर जाएंगे आई डी टी के रस्ते माई डी फ्रेंड्स ओके परफेक्ट